दोस्तों, आपके अपनी चैनल ए टू जेड हार्डवेयर वर्ल्ड में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको मेश के बारे में जानकारी दूंगा, जाली के बारे में जानकारी दूंगा, उनके क्या नाम होते हैं और कहाँ कहाँ उपयोग की जाती है। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आप ये जालियाँ देख रहे हैं, पहले मैं आपको इनका बता देता हूँ कि इनके क्या नाम हैं और इसके बाद आगे वीडियो में बताऊंगा कि ये किस काम में आती हैं और किस इसकी कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले इसे प्रोफेट प्रोफाइल जो शीट कहते हैं, जिसमें 16 नंबर, 17 नंबर और 20 नंबर का गाला आता है। गाला मीन्स ये जो होल होता है दोस्तों, जिसमें दो तरह की जालियाँ हैं, ये एक छोटा होल की है और एक बड़े होल की है। ये 16 नंबर होल है और ये 20 नंबर होल है। उसके बाद बात कर लेते हैं, इसे 317 जाली कहा जाता है। ये 317 जाली जो होती है दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये गैलोनाइज में आती है और ये 317 जाली कहलाती है। फिर उसके बाद आगे अगर चलते हैं अपन, तो इसे आधा 16 जाली कहा जाता है। आधा 16 जाली, ये इसका उपयोग भी हम आपको वीडियो के आगे बताएंगे। उसके बाद इसे मच्छर जाली कहा जाता है। ये स्टील की मच्छर जाली है, ये सड़ती और गलती नहीं है, मजबूत जाली होती है और ये रेट के अंदर भी ज़्यादा होती है। उसके बाद ग्रीन जाली की बात कर लेते हैं, ये भी मच्छर जाली कहलाती है। और उसके बाद दोस्तों, ये जो जाली है, ये जाली को ग्रिल कहा जाता है। ये एल्यूमिनियम की ग्रिल है, इसका उपयोग भी बता देंगे हम। उसके बाद दोस्तों, ये वेल्ड मेश है, ये 11 गेज के तार में होती है। ये फुल वेल्ड मेश है, मतलब वेल्ड मेश इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि ये वेल्डिंग हो जाती है आसानी से। इसका जो तार की मोटाई होती है वो 11 गेज होती है। तो दोस्तों, इसके मैंने आपको नाम तो बता दिए, अब इसका उपयोग बता देते हैं। ये जो जाली होती है दोस्तों, सोयाबीन छानने के काम में आती है। सोयाबीन के साथ साथ जितनी भी क्रेशर मशीन होती है, उसमें सोयाबीन जब छनती है या फिर क्रेशर मशीन के अंदर ये जाली लगाई जाती है, जिससे छानन बाहर की जाती है। तो ये सोयाबीन के सीज़न के अंदर जब सोयाबीन कटती है, तो तब सबसे ज़्यादा बिकती है। और इसका जो मार्केट प्राइस होता है दोस्तों, 70 रुपये से लेके तो 120 और 200 रुपये फिट होता है। ये रनिंग साइज़ में बिकती है। उसके बाद बात दोस्तों कर लेते हैं, मोटी और काली रेती आपने देखी होगी, जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चलता है वहाँ पर मोटी रेती छानने के लिए मिस्त्री लोग इसका छन्ना बनाते हैं। तो ये जो जाली का रेट होता है दोस्तों, ये पूरी गैलोनाइज में सबसे पहले, उसके बाद जो इसका रेट होता है 70 रुपये से लेके तो 90 रुपये रनिंग फिट होता है। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं आधा 16 जाली की। आधा 16 जाली इसलिए कहा जाता है दोस्तों, इसमें यह आधा इंच का गाला होता है, आधा इंच का इसका वो अंदर का डायमीटर होता है। उसके बाद जो 16 नंबर इसके अंदर तार होता है, इसलिए आधा 16 जाली कहा जाता है। इसे आधा 16 जाली इसलिए कहा जाता है दोस्तों। और दूसरी बात, इसका जो उपयोग होता है, पिंजरे बनाने के काम में आती है। जहाँ पर आपने देखा होगा बहुत से पिंजरे बनते हैं, या जितने भी फार्म वाले लोग होते हैं, फार्म जो चलाते हैं, वहाँ पर पिंजरे बनाए जाते हैं मुर्गा मुर्गी के, लव बर्ड्स वगैरह के। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं मच्छर जाली की। ये मच्छर जाली दोस्तों मॉस्किटो नेट के नाम से आती है। मच्छर जाली भी इसे मिस्त्री लैंग्वेज में कहा जाता है, नॉर्मल लैंग्वेज में इसे मच्छर जाली कहा जाता है। ये स्टील में होती है दोस्तों और ये स्क्वेयर फिट से बिकती है। एक ये लोहे की मच्छर जाली है दोस्तों, ये भी ये लोहे के अंदर कलर कोटेड माल होता है। ये 13 रुपये स्क्वेयर फिट से लेके तो 15 रुपये स्क्वेयर फिट आपको बाजार में मिलेगी, और ये 25 रुपये से लेके तो 30 रुपये स्क्वेयर फिट आपको बाजार में मिलेगी। तो दोस्तों, अब ये आपको एल्यूमिनियम की ग्रिल बता देते हैं। ये आपको मार्केट के अंदर इसकी जो पन्ने आते हैं, 2 फीट, 2.5 फीट, 3 फीट और 4 फीट, ये आपको बाजार के अंदर 40 रुपये स्क्वायर फीट से लेके तो 45 रुपये स्क्वायर फीट मिलेगी। ये जो तार है दोस्तों, ये मोटा तार है, इसलिए इसकी प्राइस जो होती है 40 रुपये स्क्वायर फीट होती है। इससे पतला तार भी आता है, पतला गेज में आता है जो एल्यूमिनियम का होता है, वो 35 रुपये स्क्वायर फीट आपको बाजार में मिल जाएगी। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों अपने वेल्ड मेश की। आपने वेल्ड मेश का तो नाम सुना होगा दोस्तों, इस जाली को बहुत जगह उपयोग में लाया जाता है। वेल्ड मेश को बाउंड्री वाल में भी बना लिया जाता है दोस्तों, बाउंड्री वाल के अंदर भी इसे इस्तेमाल कर लिया जाता है। इसके प्याज छानने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, बड़े बड़े पिंजरे बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, और इसे ट्री गार्ड भी कहा जाता है। ट्री गार्ड इसलिए कहते हैं दोस्तों, इसे आपने देखा होगा पेड़ के आइट साइड जो जंगले बनते हैं, मिस्त्री लैंग्वेज में इसे जंगला भी कहा जाता है। और ये ट्री गार्ड होती है दोस्तों, ये इसके जंगले बनाए जाते हैं ताकि कोई भेड़ बकरी या गाय वगैरह जो भी होते हैं, जो पेड़ों को नहीं खाए घरों में, बहुत से लोग या गार्डनिंग जो भी करते हैं उन लोगों के लिए ट्री गार्ड के रूप में इस्तेमाल की जाती है। फिर इससे प्याज भी छानी जाती है, लहसुन भी छाना जाता है। और इसके दो तरह के तार आते हैं, 13 गेज आता है और 11 गेज आता है। जो अभी मेरे हाथ में ये 11 गेज का तार है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपको जो भी क्वेश्चन हो आपके मन में, वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।